Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. सो गाइज फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करूँगा बारबल शोल्डर प्रेस सीटेड मोमेंट बैठ के करूँगा. उसको स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो. फोर सेट्स इसके करने हैं. रैप इसकी मल्टी जॉइंट्स एक्सरसाइज है तो 8 to 10 रैप्स हैं इसके. और आपका जो लास्ट सेट होगा फोर्थ सेट होगा इसमें आपको ड्रॉप जाना पड़ेगा. 15 सेकेंड कार्डियो करना है सेट के बीच में. फिर उसके बाद वेट को ड्रॉप करना है, फेलियर जाना है और फिर थोड़ा सा 15 to 20 सेकेंड आपको कार्डियो करना है और फिर आपको वेट ड्रॉप करना है थोड़ा सा और फिर मैक्सिमम जाना है. ठीक है, तो ऐसे ही इसकी वर्कआउट की स्प्लिट है. फर्स्ट सेट आपको वार्म अप सेट करना है और इसमें थोड़ा सा रैप ज़्यादा रख सकते हो ताकि मसल को वार्म अप मिल जाए अच्छी तरह से. और उसके बाद धीरे धीरे आपको वेट इंक्रीज़ करना है, 8 to 10 रैप्स करने, उतना ही वेट इंक्रीज़ करना है जो आपकी रेपिटेशन आ जाए और प्रॉपर तरीके से आप मसल को हिट करके वर्कआउट कर पाओ. और इसके साथ मैं कार्डियो करूँगा जंपिंग ऑन द स्पॉट. और कार्डियो की मोमेंट आपको ऐसे रखनी है कि मतलब जो आप अपने पास में ही आप कार्डियो कर पाओ. तो इसमें अब 30 सेकंड में कार्डियो करूंगा. फोर्थ सेट ड्रॉप सेट है. थोड़ा थोड़ा सा वेट को डिक्रीज करना है और उसके बीच में मैं कार्डियो करूँगा 15 से 20 सेकेंड जंपिंग ऑन द स्पॉट. सो फेलियर जाना है मतलब आपको जब ड्रॉप करोगे. हाँ 15 to 20 सेकेंड वेट कम करूंगा थोड़ा सा और come on man, wow, shit. अगेन वेट को और कम कर दिया मैंने. चार सेट कंप्लीट हो गए और फोर्थ सेट में 15 सेकेंड कार्डियो एंड ड्रॉप सेट. 15 सेकेंड कार्डियो ड्रॉप सेट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की कंप्लीट हुई. बाकी जो और एक्सरसाइजेस हैं वो भी ऐसे करने हैं, बट 3-3 सेट करने और ड्रॉप सेट्स करने हैं. नेक्स्ट मैं करूँगा शोल्डर्स के लिए सीटेड डंबल प्रेस करूँगा और इसके साथ मैं कार्डियो करूँगा, जंपिंग जैक्स करूँगा और 3-3 सेट इसके करने. सो मैं थर्ड सेट आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है. ड्रॉप सेट करना है इसका और हर सेट में आपको थोड़ा थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है. बट जब आप थर्ड सेट करोगे तो उसमें वेट को डिक्रीज करना है, ड्रॉप सेट करना है. आपको थोड़ा थोड़ा सा वेट को रिमूव करना है और बीच बीच में 15 से 20 सेकंड कार्डियो करना है और उसके बाद सेट लगाना है. ड्रॉप सेट है. ओह
bourbons. Do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems. Just a favor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong issue. Failure rap. लास्ट स्टॉप, वेट और कम कर दिया थोड़ा सा. वाह, फेलियर. हो चो हाँ हाँ हाँ. फ्लैक्स करना जरूरी है, ब्लड का फ्लो हो. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है डंबल अपराइट रो, और तीन सेट इसके करने हैं, 8-10 रैप्स हैं. और थर्ड सेट जो मैं करने जा रहा हूँ वो ड्रॉप सेट है, 15-20 सेकंड कार्डियो देन ड्रॉप द वेट, 15-20 सेकंड कार्डियो देन ड्रॉप द वेट. ओके, थोड़ा थोड़ा सा वेट को कम करना है. ओह 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 रनिंग ऑन द स्पॉट. 15 सेकेंड, उसके बाद थोड़ा सा वेट और कम कर दिया. मैक्सिमम रैप, फेलियर, उसके बाद रनिंग ऑन द स्पॉट. लेग्स में करूंगा मैं स्क्वाट्स करूंगा पहले, और स्क्वाट्स में डंबल से करूंगा डंबल स्क्वाट्स, चार सेट करने. और पहले सेट में आप थोड़ा सा वेट लाइट रखना वार्म अप के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज कर सकते हो. बट मैं फोर्थ सेट कर रहा हूँ, आपको फोर्थ सेट दिखा, और वही 15 सेकंड कार्डियो होएगा इसमें. बीच में ड्रॉप सेट करने तीन बार, और डंबल का वेट थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाओगे. ड्रॉप सेट है और फोर सेट है इसके. कम हैवी टू हैवी. और वहीं पे माउंटेन क्लाइंबर्स करना है, 15 सेकंड, 15. Feel it, rap. लेग्स की मैं सेकंड एक्सरसाइज करूंगा, लेग प्रेस क्वाड्रिसेप्स के लिए. थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग पे भी आएगा और ग्लूट्स पे, बट बेसिकली ये आपके जो क्वाड होते हैं फ्रंट में लेग्स के, क्वाड्रिसेप्स के लिए. लेग प्रेस के साथ मैं करूंगा डंबल स्विंग्स सुपर सेट, और तीन सेट करने हैं. मेरा थर्ड सेट है, ये ड्रॉप सेट पे जाऊंगा. दो सेट कंप्लीट कर लिए, थर्ड सेट है मेरा ये. जो दो सेट आप करोगे उसके बीच में आपको 30 सेकंड कार्डियो करना है, और उसके बाद 15 सेकंड रेस्ट लेना है, और फिर सेट परफॉर्म करना है. जो ये थर्ड सेट है ये ड्रॉप सेट है, और ड्रॉप सेट में मैंने कुछ वेट मैंने पीछे लगाया लेग प्रेस पे, और दो डंबल, एक 20 kg का और एक 22 kg का और एक 20 kg का डंबल यहाँ रखा है. तो मैं ड्रॉप सेट करूँगा तो मैं यहीं से वेट को कम कर लूँगा, और इसके साथ कार्डियो करूँगा 15 सेकंड डंबल स्विंग्स, 8-10 रैप है. इसके साथ डंबल स्विंग से कार्डियो 15 सेकेंड
और फिर मैं वेट को ड्रॉप कर दूंगा। 20 केजी मैंने कम कर दिया। यहाँ भी मैं थोड़ा सा वेट को कम कर लिया। पहले मैंने 10 केजी से किया था डंबल स्विंग्स, अब 7.5 केजी है। 15 सेकंड ट्वेंटी के जी मैंने फिर कम कर दिया। मैक्सिमम रैप अगेन डंबल स्विंग्स ये जो एक्सरसाइज है डंबल स्विंग्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये कार्डियो की और आपके लोअर बैक और जो आपका कोर मसल होता है लोअर एब्स और साइड ऑब्लिक्स और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब ये कंपाउंड मूवमेंट है। स्टैंडिंग काफ रेजेस है। स्टैंडिंग काफ रेजेस मैं लेग प्रेस की मशीन पे कर रहा हूँ। अगर आपके पास काफ्स की मशीन है उस पर कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप नीचे प्लेट रख के डंबल से वैसे भी कर सकते हो। और इसके 4 सेट करने, 4th सेट इसका ड्रॉप होगा। इसके साथ जंपिंग करना है, जंपिंग ऑन द स्पॉट 15 सेकेंड और थोड़ा सा वेट फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा। फेलियर रैप जाऊंगा फिर इसके। अगेन वेट को ड्रॉप कर दूंगा थोड़ा थोड़ा सा। Take a loss, well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit and no, I'm never getting lost. I get after it, investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent, and it's only a percent. सो गाइज ये था शोल्डर लेग्स एंड काप्स वीक 4 का डे 3 था ये। वो सारी स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस थी और मल्टी जॉइंट्स एक्सरसाइज थी, कंपाउंड मूवमेंट्स थी जिसमें। सो गाइज वर्कआउट को लाइक ज़रूर करना, वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great.